सोशल मीडिया पर इस बच्चे को तो आपने देखा ही होगा। हाल ही में राम भद्राचार्य जी महाराज के साथ इस बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राम भद्राचार्य जी महाराज इस बच्चे को स्टेज से उतरने को कह रहे हैं। रामचंद्र भगवान की, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। लेकिन आखिर ये बच्चा है कौन जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है? यह है दिल्ली का रहने वाला अभिनव अरोड़ा, जो 10 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इंस्टाग्राम पर अभिनव के 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभिनव अपने आप को कान्हाजी वाला कहता है और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान आया कहाँ से? तो इसका कारण है उनके पिता तरुण राज अरोड़ा। जिंदगी में हार हमेशा लगी रहेगी, जीत हमेशा लगी रहेगी, तो आपको हार से हारना नहीं है, हार से सीखना है। तरुण राज एक बिजनेसमैन था जिनका आइसक्रीम का बिजनेस था। फालूदा एक्सप्रेस नाम की फ्रेंचाइजी के प्रचार के लिए एक वीडियो भी शूट किया गया था, जिसमें अभिनव मॉडल के रूप में दिखाई दिए थे। तरुण को बिजनेस में नुकसान हुआ और वो इन्वेस्टर को पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे के बचपन को जोखिम में डाल दिया। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि अभिनव जो करता है, जो बोलता है, सब उसको रटाया जाता है। उसके पिता ने उसे सब कुछ सिखाया है कि कहां पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको कोई हंसना सिखाता तो नहीं है, वे अपने आप से मुस्कुराने लग जाता है, वे अपने आप से हंसता है। ऐसे ही श्री जी की राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया। इतना ही नहीं, सबको ज्ञान देने वाला अभिनव नॉनवेज भी खाता था। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो चिकन खाने की बात कर रहा है। कोई आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना, तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले अभिनव को ट्रोल भी बहुत किया जाता है। कमेंट्स में उनके स्कूल के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इस बच्चे को स्कूल जाना है या नहीं, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, हाल ही में एक यूट्यूबर ने अभिनव के ऊपर वीडियोज भी बनाई, जिसमें आरोप लगाया कि अभिनव की सारी बातें स्क्रिप्टेड होती है, नए सवालों पर उनके पास कोई जवाब नहीं होते। इतना ही नहीं, 10 साल के बच्चे को कैमरा एंगल के बारे में भी काफ़ी कुछ बता रखा है कि कहां पर देखकर उसे एक्सप्रेशन देने हैं। इसके अलावा पिता पर बच्चे का बचपन छीनकर उसे धार्मिक गुरु बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि माता पिता अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के अलावा राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी अभिनव को मूर्ख कह दिया था। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, सीता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अभिनव के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री और ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।